हेलो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप सब लोगों को दिखाने वाला हूँ पीआरपी के रिजल्ट और बताने वाला हूँ थोड़ा सा ज्ञान पीआरपी के बारे में। तो देखते रहिएगा, पूरा वीडियो स्किप मत करिएगा। दोस्तों, मैंने दो पीआरपी की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसके अंदर एक वीडियो के अंदर मैंने पूरा ज्ञान दिया था कि पीआरपी की कौन कौन सी मशीन होती है, क्या क्या इफेक्ट आते हैं, क्या क्या टेस्ट होते हैं। उस वीडियो का नाम था पीआरपी एक झोल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और एक वीडियो बनाई थी मैंने कि इसके अंदर लाइव दिखाया था डॉक्टर ने मेरे किस तरीके से किया है, मेरे ऊपर कौन सी मशीन में किया है, कौन सी जब ब्लड डाला मशीन के अंदर तो क्या निकल बनकर सामने आया, वो वाला वीडियो भी मैं लिंक में डाल दूंगा। तो ये वाली वीडियो देखने से पहले आप वो वाली वीडियो जरूर देख लेना और पूरी देखना, स्किप मत करना। और फिर उसके बाद आप लोगों को समझ आएगा कि पीआरपी करवाने से ही सब कुछ नहीं होता है, सही जगह से पीआरपी, सही तरीके से पीआरपी करवाने से ही रिजल्ट आते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सब लोगों को दिखाता हूँ अब रिजल्ट जो कि आए हैं द हेयर एंड शेप क्लिनिक के अंदर पीआरपी करवाने के बाद। वैसे तो मैंने भी द हेयर एंड शेप क्लिनिक से बहुत सारी पीआरपी करवाई हुई है, लेकिन अगर जो मैं अपना रिजल्ट दिखाऊंगा आप लोगों को तो आप सब लोग बोलोगे अरे यार, तो मेडिसिन भी लेता है, मिनोक्सिडिल भी लगाता है, दूसरी चीज़ें भी करता है, तो तेरा जो रिजल्ट है वो सब कुछ मिला जुला कर सब चीज़ों का है और समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज़ का रिजल्ट आया, सिर्फ पीआरपी का नहीं आया। तो जब मैं आप लोगों को ये फोटोग्राफ दिखाने वाला हूँ तीन बंदों की, इन बंदों ने सिर्फ पीआरपी लिया, कोई मेडिसिन नहीं, कोई दवाई नहीं, इन्हें क्लिनिक ने सिर्फ पीआरपी दिया और ये प्योरली पीआरपी का ही रिजल्ट आया हुआ है। वैसे तो मेरे पास पीआरपी की और भी कस्टमर्स की और भी पेशेंट की वीडियो है मेरे पास, लेकिन मैं इन तीनों के इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो ईमेल है मेरे पास, मैंने क्लिनिक से मंगवाया था नवंबर के महीने में, नवंबर जो गया है ना 2018 उसके अंदर, लेकिन मैं कुछ कारणवश वो अपलोड नहीं कर पाया। देखिए स्क्रीनशॉट ये तब के आए हुए मेरे पास, लेकिन आज मैं इसको दिखा रहा हूँ आज, क्योंकि मैं ईमेल चेक कर रहा था पुराने, तो उसके अंदर ये दिख गया और मुझे याद आ गया अरे हाँ यार, ये वाले भी तो रिजल्ट दिखाने हैं मुझे लोगों को, तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो चलिए दिखाता हूँ। देखिए इन्होंने अपने हेयर ट्रिम करे हुए हैं और ये कितने ज़्यादा गंजे दिख रहे हैं, और करवाने के बाद इन्हों की फोटोग्राफ कुछ इस तरीके की आ गई है और ये अपने रिजल्ट से काफ़ी ज़्यादा खुश और संतुष्ट हैं, जबकि थोड़े और रिजल्ट जो इन्हें चाहिए होंगे अब वो पीआरपी से नहीं आएंगे, क्योंकि पीआरपी पूरी ले चुके हैं, इतने ही रहेंगे इनों के रिजल्ट। और बाकी जो है अब मैं दूसरे बंदे की दिखाता हूँ, इनों का देखिए आप, देखिए बीच में से कितने ज़्यादा गंजे हैं ये, है ना। और ये दूसरी फोटोग्राफ, यहाँ पर थोड़ा गंजापन जो है थोड़ा कम हुआ है, अब आपको समझ आ रहा होगा कि क्या डिफरेंस आया है पीआरपी करवाने के बाद। ये जो रिजल्ट है प्योरली पीआरपी के हैं, इन्होंने कोई मेडिसिन और मिनोक्सिडिल नहीं यूज़ की है दोस्तों। अब एक और दिखाता हूँ आपको, ये वाला, ये मेरा पर्सनल खुद का फेवरेट है, क्योंकि देखिए दोस्तों बिल्कुल ही गंजापन गायब हो चुका है। शुरू में बीच में थोड़ी बहुत लाइन दिख रही थी गंजेपन की, लेकिन अब मैं हैरान हो गया हूँ इस तरीके के पीआरपी का रिजल्ट भी आ सकता है देख करके या सोच करके। तो दोस्तों, जिस जिसके बाल इस तरीके के हैं और वो अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराए बिना रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो वो पीआरपी का सहारा ले सकते हैं। मैं ये किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि आपका भी पीआरपी करवाने से इस तरीके का रिजल्ट आएगा, लेकिन हाँ, पीआरपी करवाने से इफ़ेक्ट ज़रूर आएगा। मेरे खुद के बालों के अंदर चमक, मोटापा और जल्दी जल्दी बाल बढ़ना, इस तरीके की चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, जबकि पहले क्या था, बाल झड़ते थे, मोटे नहीं थे, रूखे थे, बेजान लगते थे, लेकिन आज की डेट में थोड़े हेल्दी हेयर लगते हैं मेरे और मैं खुश हूँ अपने इन हेयर से। उम्मीद करता हूँ आप भी मेरे हेयर से, हेयर को देख के खुश होते होंगे। और प्लस 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 जो दूसरे लोग हैं जिन्हों के रिजल्ट मैंने आपको दिखाए, ये रिजल्ट आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर जो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, लाइक की बहुत ज़्यादा कमी है, कमेंट भी बहुत सारे करना और वीडियो को शेयर भी कर देना कि पीआरपी से ऐसे रिजल्ट भी पॉसिबल हैं। लेकिन पीआरपी किस तरीके की होती है, क्या होती है, उसकी जो मैंने दोनों वीडियो का लिंक दिया है वो ज़रूर देख लेना, वरना आप कहीं से भी पीआरपी करवा लोगे, कुछ भी पीआरपी करवा लोगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑथेंटिक क्लिनिक से ही आपको पीआरपी करवानी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। बाय बाय।